हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग अनबॉक्सिंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बॉक्स काफ़ी बड़ा है, एलजी की ब्रांडिंग है। तो ये एलजी की वॉशिंग मशीन है, नया मॉडल और अपडेटेड मॉडल हम लाए हैं। तो उससे पहले मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये, जो मेरी पास्ट वीडियो थी एलजी की 8 kg की वॉशिंग मशीन वीडियो पर, बाई चांस उसमें मुझसे जो प्राइस रेट है वो थोड़ा गलत बताया गया। आप उसके अंदर जो भी मैंने प्राइस रेट बताया उसके अंदर 1000 प्लस कर दीजिएगा, हो जाता है। 40 से प्लस वीडियोस मेरी आ चुकी है, तो एक आधी वीडियो में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और सेकंड मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आपका तब होगा जब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें, जो भी मेरा चैनल देखे, जो मेरी वीडियोज़ देखे, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें। तो उसके बाद हम बात करेंगे ये बॉक्सिंग पे। बॉक्स आप बॉक्स देख सकते हैं, 5-star रेटिंग में है, एलजी की ब्रांडिंग है, तो एलजी की वॉशिंग मशीन है। तो चलिए इसकी बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट था इसको बिग अनबॉक्सिंग करना, इसकी अनबॉक्सिंग करना, क्योंकि एक तो ये साइज इतना बड़ा है और दूसरा इसका बॉक्स है वो इससे भी बड़ा है, तो बहुत ही मुश्किल था। बॉक्स हैवी भी काफ़ी था। तो आइए इसके ऊपर एक नज़र देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं 5-star यहाँ रेटिंग में है और 5 years वारंटी ऑन मोटर्स है। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो वॉश मोटर ओनली होता है, 2 साल कोई वॉशिंग मशीन का होता है और 5 years की वारंटी जो वॉश मोटर पर आती है। और उसके बाद देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट रेड अवे वॉशिंग मशीन और 5-star की आज रेटिंग है। एनर्जी कंजप्शन है वो 0.0115 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि साइज बहुत बड़ा है और ये ग्रे एंड व्हाइट कलर में ये बनी हुई है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जिसका वॉशर और ड्रायर दोनों ही अलग अलग होते हैं और ये पूरी हार्ड प्लास्टिक में बनी हुई है। अंदर से लेकर बाहर तक ये पूरी हार्ड प्लास्टिक में बनी हुई है। और इसकी कुछ खासियत की और कुछ इसकी खामियां की हम बात करेंगे कुछ ही देर बाद में। तो आइए पहले इसको हम करीब से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने है एलजी की 9 kg की वॉशिंग मशीन। तो आप इसको करीब से देख रहे हैं। पहले मैं आपको इसका पूरा वॉशिंग मशीन का लुक आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कुछ खामियां मुझे लगी उसकी बात करते हैं। तो इस मॉडल के नीचे जो है टायर्स नहीं है। अगर आप 9 kg की वॉशिंग मशीन लेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे जमीन से टच है, थोड़े बहुत ऊपरी में भी है। अगर आप 9 kg की वॉशिंग मशीन लेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर आपको टायर्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके नीचे जो टायर्स अवेलेबल नहीं है, एक खामी मुझे ये लगी। और दूसरी ये लगी कि जो और वॉशिंग मशीन के साइड में हम देखते हैं तो यहाँ हैंडल्स होते हैं, बांस होते हैं इसको पकड़ने के लिए दोनों साइड्स में, यहाँ और यहाँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ हैंडल्स भी नहीं मिलेंगे आपको पकड़ने के लिए। तो अब आप जाते हैं, अब हम चलते हैं इसकी कंट्रोल पैनल पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 9 kg की वॉशिंग मशीन है। रोलर जेट, इस जेट का नाम जो रोलर जेट के नाम से दिया गया है। और ये बजर इसके अंदर हमें मिल जा रहा है। और ये स्पिन टाइमर है, जो ड्रायर का टाइमर होता है, ये 5 मिनट तक एक्सटेंड होता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ड्रेन सिलेक्टर हमें यहाँ मिल रहा है, ये वॉश और रिंस पे जब कपड़े धुल रहे हों तो आपको वॉश पे रखना है, जब जो गंदा पानी बाहर निकालना हो सारा तो आपको ड्रेन पे करना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं ये नॉर्मल जेंटल और स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है। नॉर्मल जैसे नॉर्मल कपड़े वॉश करने और रोजमर्रा के, और स्ट्रॉन्ग जैसे जींस जैसे स्टफ अगर अपने को वॉश करना हो, जेंटल वैसे कंबल खेस चटर जैसा स्टफ हमें वॉश करना हो। और उसके बाद ये आ जाता है यहाँ 3 से लेकर 15 तक का टाइमर हमें मिल जाता है, जो वॉश टाइमर होता है। और एक और इसकी मैं खामी आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सोप टाइमर नहीं होगा, सोप टाइमर इसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ हमें वॉश टाइमर मिलता है। और ये वॉश सेलेक्टर हमें यहाँ मिल जाता है कि आपको जो वॉशर का सेलेक्ट करना है, ये जो पानी और ये जो यहाँ में ड्रायर का ड्रायर में पानी जो क्या सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पाइप फिटिंग करा सकते हैं। और जिस साइड करेंगे उधर करेंगे तो वॉश टाइम मिल जाएगा, और यहाँ करेंगे आप तो एक स्पिन टब में जो इसका पानी है वो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको अंदर से, इसका वॉश टब है वो, ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा है इसका वॉश टब। और ये हमें यहाँ वाटर लेवल के फंक्शंस मिल जाते हैं, हाई मीडियम एंड लो के। और ये जो यहाँ नेट है वो लग जाएगा। और ये रोलर्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ा हमें यहाँ इसके अंदर टब मिल रहा है, 9 kg का टब मिल रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा टब है।
जो इजीली बहुत सारी क्वांटिटी में कपड़े वॉश कर सकता है। ये किसी बड़ी फैमिली के लिए या फिर कोई अगर कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस करता हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी भी है। तो अब देखते हैं इसका जो स्पिन टब है। और वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हमें केजी का डिफरेंस मिल जाता है, वॉश टब में डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन स्पिन टब ऑलमोस्ट वॉशिंग मशीन में हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। ये कंपनी की तरफ से कुछ पाइप्स हैं जो इसके वॉशिंग मशीन के पीछे लगती है पाइप को पानी को आउट करने के लिए, और ये एरियल का एक सर्फ डिटर्जेंट दिया गया है और ये देख सकते हैं। लेकिन इस जो लो के वॉशिंग मशीन है इसका ड्रायर भी हमें जो काफी बड़ा मिल जाता है, काफी बड़ा लगता है देखने में, हमें पता चल जाता है कि ये काफी बड़ा है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये होल से नीचे की तरफ जो पानी को सोख कर बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसके स्टिकर्स देखते हैं, ये 5 ईयर्स वारंटी और वाटर, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप जोर से देखेंगे यहाँ पे तो वॉश वाटर ऑनली लिखा गया है। ये इंडियाज़ फर्स्ट रेटेबल वॉशिंग मशीन है कि चूहों से अगर आपके घर पे चूहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा चूहों से इस वॉशिंग मशीन को। और उसके बाद ये स्टार रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो ये 5 स्टार रेटिंग है और यहाँ एनर्जी कंजप्शन हमें देखने को मिल जाता है। और ये पूरा अपडेटेड मॉडल है 2019 का, 9 kg है। और इसका जो वाटर कंजप्शन इसका लीटर kg या साइकिल जो इसके पूरा बता देता है कि किस हिसाब से ब्रांडिंग यहाँ LG की है। तो आप देख रहे हैं ये 9 kg वॉशिंग मशीन को। सो हो फ्रेंड्स, मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई, जो मैंने इसका डेमो दिया है, जो मैंने इसकी जो इस खासियत और खामियां जो मैंने बताई है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से ही सपोर्ट होता है और आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की, तो इसकी प्राइस रेंज ज़्यादा से ज़्यादा है 15,500 और कम से कम है 15,000। तो अगर इससे आपको ज़्यादा की रेंज में मिले, ये मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये रिटेल शॉप्स की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मिले तो आपको नहीं लेना है। और उससे कम रेंज में आपको मिले, जैसे 15,000 या 15,000 से कम में मिले, तो ये आप ऑफर की तरह आप इसको 9 kg LG की 9 kg वॉशिंग मशीन को आप ले सकते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको मुझे पूछना होता है, मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दीजिए मुझे बिग अनबॉक्सिंग को और ऐसे देखते रहिए मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच।